गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल Educare.POM। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरी आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है यूजी के कोर्सेज का, वो 2 अगस्त को रिलीज हो जाएगा। और पीजी के जो कोर्सेज हैं वो 26 जुलाई इसी मंथ निकलने वाले हैं। तो अब आप अपनी पूरी तैयारी रखें। आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू द फाइनल एडमिशंस। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, और जैसे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इस तरीके के सबके प्रोसीजर अलग है। इसी तरीके से पीजी के कोर्सेज भी के एडमिशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग है। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए प्यारे बच्चों ये मैं वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको बहुत बेस्ट लगेगी। और कुछ अगर कमी रह जाएगी तो उसको भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहले आप हम बात करते हैं कि आपको नोट कर लेनी है ये बातें, आपको एक पेन और कॉपी भी ले लें प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो आप नोट करें। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे कि हमारे बीएससी के जो कोर्सेज हैं उसकी डायरेक्ट एडमिशन होती है, मेरिट बेसिस पर एडमिशन हो जाती है। इधर कोर्सेज हैं हमारे बीबीए, बीएमएस, बीबीई, इसके जो है डीयू चैट के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो दोनों के अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इसके बारे में हम अब सबसे पहले अब मैं बात करूँगा यूजी के कोर्सेज जिसके अंदर जो एडमिशन हैं वो मेरिट बेसिस पे होने वाले हैं। तो मेरिट बेसिस पे प्यारे बच्चों जो एडमिशन होएगी उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद अपनी फ़ी पे करनी है, उसके बाद अपनी अपडेट्स डालनी है, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ डालना है, जैसे फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी बातें आपने इसमें कर डाल दी। उसके बाद आपने जो फ़ी पे कर दोगे तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, उसके बाद आपने वेट करनी है कट ऑफ्स आएंगे। अब कट ऑफ्स जो आएंगी उसकी वीडियोस मैंने काफ़ी सारी डाली हुई है, हर सेक्शंस की डाली हुई है, कॉमर्स की अलग डाली हुई है, बीएससी की अलग डाली हुई है, अलग अलग कोर्सेज की भी मैंने अलग अलग मेरे दिल्ली वाले फोल्डर के अंदर आप देख लेना, प्ले लिस्ट को खोल कर देख लेना, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे आप सपोज करो आपके 75% बनते हैं तो आपको 75 में से कट ऑफ्स पता लग जाएगी कि इस साल कितनी कट ऑफ आई है, तो आप किस कॉलेज के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। तो उस कॉलेज के आपने फिर से लॉगिन करनी है, थर्ड स्टेप बता रहा हूँ कट ऑफ आने के बाद, तो लॉगिन करनी है, तो आपने उन कॉलेज पर अप्लाई करनी है। जैसे आप अप्लाई का बटन दबाओगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस कॉलेज में आ जाएंगे। अगर उस कॉलेज में आपके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं तो आपके पास पे लिंक आएगा, और पे लिंक जब आप पे फी कर दोगे तो फीस पे करने के बाद आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना है तो नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे पिछले साल भी 6 राउंड हुए थे हमारे, तो और कभी कभार 7 राउंड हो जाते हैं, राउंड्स होते हैं इसमें, उसके बारे में भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन्स की, बीबीए की, बीएमएस की, बीबीई की, जिसका एडमिशन जो है डीयू जेट के थ्रू होना है, एडमिशन मेरिट बेसिस पे नहीं है। तो इसके अंदर जो स्टेप्स रहेगा, फिलअप ऑफ द फॉर्म्स जो है पहले सेम ही रहेगा। तो पहले आपने फॉर्म को फिलअप करना है, लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, पे फी करनी है, अपलोडिंग करनी है, अपने सिग्नेचर्स करने हैं, अपने फोटोग्राफ करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने करने हैं। इसके बाद आपका एक एंट्रेंस की जो डेट आएगी वो आपके पास आ जाएगी, और इसमें जो एंट्रेंस फीस है जो लगभग जो एंट्रेंस के थ्रू होंगी उसमें 750 के करीब है, और जो डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे जो हमारी एडमिशन है वो 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद आपकी एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपकी एंट्रेंस डेट आएगा, उसके बाद आपका रैंक आएगा, स्कोर आएगा, और उसके बाद फिर आपने कट ऑफ के हिसाब से जो आपकी रैंकिंग आती है, जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे उसमें आपने फॉर्म फिलअप करने हैं। उसी तरीके से जैसे सपोज करो आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, और सोचें कि आपके हिंदू कॉलेज में या हंसराज कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बीबीए जैसे कोर्सेज, जो भी कोर्सेज हैं आप चयन करेंगे वो जिस कॉलेज के अंदर है वहीं पर ही आपका एडमिशन होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। जैसे बीबीए करनी है तो आपको शहीद राजगुरु या सुखदेव कॉलेज ही चुनना होगा, जो कि लड़कियों का कॉलेज है। इसके बाद आपने जो हमारे
क्या कहते हैं, जब आप कॉलेज भर देंगे उसके बाद कॉलेज के पास सेम प्रोसीजर है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आपके पास पे लिंक आएगा और पे लिंक जैसे ही आप पे करोगे फी को तो आपका एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कोटे वाले एडमिशन की। जैसे कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स कोटा होता है, और एक मैं और बता देता हूँ ECAW का कोटा होता है। तो पिछले साल तो क्या होता था कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसके बाद ट्रायल होता था, लेकिन कोविड के कारण इस बार ट्रायल नहीं होंगे। तो जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसके हिसाब से आपके जैसे मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। अब हम बात करेंगे पीजी कोर्सेज की। बात करेंगे पीजी कोर्सेज के अंदर जो है वो हमारे मेरिट बेसिस पे एडमिशन होने हैं, जो कि 26 तारीख को ओपन हो जाएंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी 50% सीट पीजी के लिए रिजर्व है, और 50% बाकी आउटसाइड वाले बच्चों की है। तो यहाँ पर जो भी आपके मेरिट के हिसाब से या एंट्रेंस के हिसाब से दोनों ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस किसके लिए होंगे, जो तो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, वो एंट्रेंस के थ्रू भी जा सकते हैं और वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं मेरिट बेसिस पे। लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा, एंट्रेंस में जो उसको स्कोर होगा उसी के आधार पर उनका एडमिशन होगा। और इसमें जैसा कि आपको बताया मैंने, इसमें एंट्रेंस के माध्यम से होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यूजी के अंदर जैसे कि बेस्ट ऑफ फोर देखा जाता है और कई बारी बीएससी के कोर्सेज के अंदर बेस्ट ऑफ थ्री देखा जाता है। जैसे आप बीएससी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके जो नॉर्मल थ्री सब्जेक्ट पीसीबी या पीसीएम देखा जाएगा, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर अलग कोर्सेज करना चाहते हैं तो तब आपके बेस्ट ऑफ फोर में से सिलेक्शन होगी। तो उसके आधार पर आपके नंबर जुड़ेंगे और नंबर जुड़ने के बाद आपके इसमें एडमिशन होगी। अब DUJET के अंदर एक और बात बता देता हूँ जो कि मैं बीच में से भूल गया था कि इसमें 65% आपके एंट्रेंस के बेसिस पे होंगे और 35% आपके मार्क्स जो हैं प्लस टू के अंदर जितने आए हैं उसकी वेटेज को कैलकुलेट करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस टेस्ट के 65% दिए जाएंगे और 35% फ्रॉम योर मार्क्स दिए जाएंगे, और इसी के साथ ही आपका जो मेरिट बनेगी फाइनली और इस तरीके से आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी। तो इस तरीके की दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं वो जल्दी आने वाले हैं, तो आप अपनी पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे को बताएं कि किस तरीके से फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। रिजल्ट्स भी बड़ी जल्दी आने वाले हैं तो आप अपना रिजल्ट्स के जो मार्क्स हैं वो भी अपलोडिंग करनी होगी, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करें तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अपलोड करने होंगे। किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एक एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट में आप ये बात ध्यान रखें कि एडिट में सारी चीज़ें एडिटेबल नहीं होती, कुछ बातें ही एडिटेबल होती। तो एक बार मैं फिर से आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि प्यारे बच्चों जो फॉर्म्स हैं वो खुद फिलअप करने की कोशिश करें, अपने फ़ोन से करें या फिर लैपटॉप की मदद से करें। अदरवाइज साइबर कैफे के अंदर जितने भी बच्चों ने पिछले साल भी फॉर्म्स भरे थे उनके अंदर काफ़ी गलतियां कर दी गई थी और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा कि अगर फॉर्म में एडिटेबल नहीं होती तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आपका डबल खर्चा होएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जब फॉर्म भरें बहुत ही विजिलेंट होकर भरें। अगर साइबर कैफे में मजबूरी है, आपके पास फ़ोन में नेट नहीं स्पीड आ रही है, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फॉर्म आपको भरने में दिक्कत है, तब उस केस में आप साइबर कैफे में जाएं, लेकिन वहाँ पर बहुत विजिलेंट होकर आराम से बैठकर प्रोसेस को करें, टाइम निकाल कर करें, उसको चेक करें 2-3 बार, उसके बाद ही कन्फर्म करें। अदरवाइज अगर कोई गलती रह जाती तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसी के साथ ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी जिसके अंदर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है A to Z फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक, और इसके बाद हॉस्टल्स की बातें और सारी जो बातें हैं वो सब बातें मैं आगे अपनी वीडियोस में करता रहूँगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, आपको सारे कट ऑफ पिछले साल के सारी एनालिसिस मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी है, उनको देखें तो आपको अपने परसेंटेज जो आने वाली है आपके रिजल्ट्स उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है। और किसी तरीके से कोई क्वेरीज हो आप मुझसे डायरेक्ट फोन पर भी पूछ सकते हैं, मैं अपने फोन नंबर डिस्प्ले कर दूँगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।